नमस्कार साथियों, मशरूम को खाने से क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, मशरूम के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है और खाने से शरीर में कैसे फायदे मिलेंगे। अगर किसी को डायबिटीज हो, बीपी की समस्या हो, मोटापा हो, तो वो लोग क्या करें, खाएं कि ना खाएं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मशरूम की बात करें तो वैसे तो अपन इसको वेजिटेरियन सब्जी बोलते हैं, वेज बोलते हैं, लेकिन ये फंगस होता है। ऐसा कह सकते हो कि प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक है। बेसिकली ये फंगस होता है, उसमें बहुत सारे पोर होते हैं, तो इस तरह से वो ग्रो जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, कुछ जंगली वैरायटी होती है, कुछ की खेती होती है, उसमें से 30-35 तरह के हैं जो खाने लायक होते हैं। इंडिया में 2-3 तरह के मोस्टली उगाए जाते हैं, उसमें व्हाइट बटन टाइप का जो मशरूम है वही पॉपुलर है, उसकी खेती भी होती है और वो आजकल मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब तो कीमत भी धीरे धीरे करके कम हो रही है। ये पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि ये थोड़ा सा मीट जैसा इसका टेक्सचर और फ्लेवर होता है, तो इसकी ग्रेवी वाली जो सब्जी है वो स्पेशली पार्टीज में बहुत फेमस हो रही है। पर मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आप मशरूम खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा तेल, बटर, मसाला ये सब ना डालें, उससे उसका जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर फिट नहीं मिलेगा, पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि मशरूम खूबी यही होती है कि उसके अंदर फैट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है और फैट बहुत ही कम होता है। तो अगर आपने उसमें अलग से बटर डाल दिया, ऑयल डाल दिया, मसाला डाल दिया और भी तमाम तरह की चीजें डाल दी, तो फिर वो न्यूट्रिशन वाइज अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब भी इसकी सब्जी खाएं तो बहुत ही हल्का इसमें तेल मसाला डालें। बहरहाल न्यूट्रिशन पे सीधे आते हैं, तो 100 ग्राम अगर मशरूम अपन लेंगे तो इसमें क्या होता है कि कैलरी सिर्फ 22 कैलरी है, बहुत ही कम है। मतलब 100 ग्राम में 22 कैलरी है, मतलब आप मशरूम 200 ग्राम या 250 ग्राम भी खा सकते हैं अगर उसमें बहुत ज्यादा तेल और शक्कर न डालें। कैलरी अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो 100, 150, 200 ग्राम खाएंगे तो 40-50 कैलरी होगी, जो कि बहुत ही कम होती है। तो मोटापा हो तो भी अच्छा है, दिल की बीमारी है तो भी अच्छा है, डायबिटीज वाले व्यक्तियों को तो भी अच्छा है, वजन कम करना चाह रहे हैं तो भी अच्छा है। प्रोटीन इसके अंदर होता है 3 ग्राम 100 ग्राम, तो सब्जियों में देखा जाए तो इतना प्रोटीन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर है तो थोड़ा इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। तो मतलब मशरूम प्रोटीन का भी एक सोर्स है। फैट की बात करें तो इसके अंदर फैट बहुत ही कम है, 100 ग्राम में 0.34 ग्राम है, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कम है। तो ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, ऐसे लोग जिनको दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक आया हुआ है, स्टंट डला हुआ है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब रहता है, कबा मार गया है, ऐसे मरीजों के लिए मशरूम की सब्जी अच्छी होगी और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है। तो ना तो ट्राइग्लिसराइड ये खाने से बढ़ेगा, बल्कि इसके अंदर फाइबर होता है और दूसरे भी कंपाउंड होते हैं, उसे कम करने में मदद करेगा। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 100 ग्राम में 3.26 3 ग्राम है, जो कि कार्ब भी इसके अंदर काफी कम है। कहने का मतलब एक ऐसा खाना है मशरूम, वजन घटाने के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज है तो उसके लिए सुटेबल खाना, किसी को बीपी की समस्या है तो उनके लिए भी अच्छा है, किसी का ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उनके लिए भी अच्छा है, और इसके अंदर थोड़ा सा फाइबर होता है, 100 ग्राम 1 ग्राम फाइबर होता है। तो ये तो हो गया कि इसके अंदर मैक्रो कैसे। इसके अलावा फिर मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इसमें थोड़ा सा फास्फोरस है, थोड़ा सा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मसल्स के लिए अच्छा रहेगा। पोटेशियम है 318 मिलीग्राम 100 ग्राम में, तो उसे होगा क्या कि आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सहायक रहेगा, जो हार्ट के लिए अच्छा रहेगा, नर्व के लिए अच्छा रहेगा पोटेशियम होने की वजह से। और सोडियम बहुत ही कम है तो ब्लड प्रेशर में ये हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप सोडियम की मात्रा कम कर दो, नमक की मात्रा कम कर दो, तो मशरूम के अंदर सोडियम बहुत ही कम है। विटामिन की बात करें तो मशरूम में विटामिन सी भी है, थोड़ा सा ई भी है, B1, B2, B3 भी है, विटामिन का सा के भी है, फोलेट भी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन अभी मेंशन करूंगा मैं, वो है विटामिन डी। होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, सब्जियां, फल, सलाद होते हैं, उसमें विटामिन डी नहीं होता, लेकिन ये चूंकि फंगस है तो जैसे इंसानों का शरीर विटामिन डी बना लेता है, वैसे ये भी सनलाइट से विटामिन डी बना लेता है। तो अगर आप इस मशरूम को धूप में रख दोगे तो ये विटामिन और बना लेगा। तो अकेला ये सब्जियों में है जो विटामिन डी इसके अंदर होता है, नहीं तो नॉर्मली अपन विटामिन डी जब एनिमल फूड खाते हैं तो उसमें होता है, या तो धूप लगने से अपनी स्किन बना लेती है। तो ये ऐसा खाना है, सब्जी है, जिसके अंदर विटामिन डी भी मिल जाता है और विटामिन सी भी है, फोलेट भी है। तो कहने का मतलब है कि विटामिन डी के तमाम तरह के फायदे हैं, जैसे हड्डियों के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रहेगा, और विटामिन सी है, विटामिन डी, ये सब मिलके शरीर को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने की क्षमता आती है, और इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। मशरूम के अंदर में स्पेशली एक एंटीऑक्सीडेंट
न्यूट्रिएंट का नाम बताना चाहूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं अर्गोथियोनिन। अर्गोथियोनिन क्या है? स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है। रिसर्च ऐसा कहती है कि इसकी वजह से कई तरह के जो कैंसर है उसका रिस्क कम होता है और दिमाग के अंदर जो बुढ़ापे में चेंजेज आते हैं, अल्जाइमर डिजीज हो या किसी और तरह की दिमाग संबंधी बीमारी हो, भूलने की बीमारी हो या लकवा मारने का, इन सब का रिस्क कम होता है इस अर्गोथियोनिन के कारण। तो ये मशरूम के फायदे हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन मिनरल्स भी है, कैलोरी कम है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन थोड़ा सा है। आप ये समझें कि ये शरीर को मजबूती देगा, बीमारियों से बचाएगा, इसके अंदर कैलोरी कम है, शुगर कम है, तो डायबिटीज फ्रेंडली भी है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, बीपी भी कम कर मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल 20 से कम होता है, तमाम तरह की क्रोनिक बीमारियों से भी शरीर को बचाता है। तो एक मशरूम बहुत ही हेल्दी अपन अगर सब्जी कंसिडर करें तो है, बट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसको बनाते समय इसमें बहुत मसाला, तेल, बटर, घी, नमक ना डालें, नहीं तो ये जो मैंने अच्छाई बताई है उस अच्छाई के फिर उतना फायदा नहीं मिलेगा, प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सोडियम नहीं है, मशरूम के अंदर पोटेशियम ज्यादा है इसलिए ये बीपी कम करता है। लेकिन अगर आपने सब्जी बनाते समय इसमें बहुत सारा नमक डाल दिया तो ये फायदा खत्म हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जीरो है और फैट बहुत ही कम है, 100 ग्राम में 0.3 ग्राम, लेकिन ऊपर से आपने बटर डाल दिया तो उससे कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा, ऊपर से आपने तेल डाल दिया उसके अंदर फैट चला जाएगा, तो मशरूम का फायदा खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसके अंदर शक्कर, बटर, घी ये सब डाल दिया तो भी मैंने बताया कि 100 ग्राम में कैलरी सिर्फ 22 है, तो उसकी कैलरी बढ़ जाएगी। इसलिए जो हम ग्रेवी वाला मशरूम खाते हैं, मशरूम मटर के साथ या किसी और चीज में थिक ग्रेवी वाला, उसमें फिर फायदा नहीं आता अपने को। मशरूम तो मतलब हल्का ही उबाल के या कुछ हल्का सा फ्राई करके इस तरीके से खाएंगे तो ये वाले इसके हेल्थ बेनिफिट आते हैं। एक बार में 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम इतना खाया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा आपने हैवी ग्रेवी नहीं इसमें डाली तो। अब बस महंगा थोड़ा सा है, ये है, हालांकि हो सकता है आने वाले समय में ये थोड़ा सस्ता हो जाए। और इंडिया में जो व्हाइट बटन मशरूम है वो पॉपुलर है, किसी एरिया में हो सकता है कोई दूसरी तरह का भी अब उगाया जाने लगा हो। उगाने की इसकी एक प्रोसेस होती है, खाद के ऊपर फिर इसको उगाया जाता है, जैसे फंगस नॉर्मली उग जाते हैं मिट्टी में उसी तरीके से ये भी स्पेशल तरीके से उगाया जाता है। तो ये मशरूम के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है और उसके क्या हेल्थ बेनिफिट आते हैं, ये सारी साइंटिफिक जो स्टडी की डेटा है कि ये चीजें होती है और हमारे शरीर पे इसका इस तरह का असर आएगा और इन इन बीमारी के व्यक्तियों में इससे फायदा करेगा। धन्यवाद।